हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय मेडिसिन वर्ल्ड चैनल। दोस्तों, बात करेंगे बैक्टोक्लैप ड्राई सिरप के बारे में। ये जो सिरप कौन कौन परिस्थिति में बच्चे में यूज किया जाता है, इसके बारे में आज पूरे जानकारी दूंगा। दोस्तों, वीडियो का अंत तक जरूर देखें ताकि आपको सही जानकारी मिल सके। अगर आप मेरे चैनल को नया विजिट करें हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि इसी तरह आपको हिंदी में मेडिसिन रिव्यू इस चैनल में आपको हर दिन देखने को मिलेगी। बात करते हैं दोस्तों इसका कंपनी के बारे में। इसको जो पसंद करती है एकोलाइफ हेल्थ केयर, इसको जो पसंद करती है, जो कि एक बेहतरीन कंपनी है। अब बात करते हैं दोस्तों इसका प्राइस के बारे में। 59 इसका जो प्राइस रखा गया है, जो कि आपको किसी भी मेडिसिन स्टोर और ऑनलाइन से परचेस कर सकते हैं। दोस्तों, ये जो प्राइस है ये बदलते रहती है। अब बात करते हैं दोस्तों इसका कंपोजिशन के बारे में। एमोक्सिलिन एंड पोटेशियम क्लैबानेट इसमें जो ऐड की गई है। दोस्तों, अगर इसका क्वांटिटी की बात करें 3.3 ग्राम इसमें जो ऐड की गई है पाउडर के फॉर्म में। अगर लिक्विड के फॉर्म में बात करें, जो कि पानी ऐड की गई है 30 ml इसमें जो ऐड की गई है। ये जो दोनों कॉम्बिनेशन जो मेडिसिन है, इसको जो आप मिलाना होता है लगभग 2 मिनट तक इसे आप हिलाता रहिए, उसके बाद ऐसे आप बच्चे को दे सकते हैं। दोस्तों, याद रखें एक एंटीबायोटिक सिरप है, इसे देने से पहले अपने जरूर डॉक्टर से कंसल्ट करें। दोस्तों, अब बात करते हैं इसका लाभ के बारे में, कौन कौन परिस्थिति में इसे आप यूज कर सकते हैं, जो कि हमारा वीडियो की मेन टॉपिक है। दोस्तों, यहाँ पे देख सकते हैं जो डायरेक्शन दिया गया है किस तरह आपको इसमें जो मिलाना होती है, ये पूरा आपको यहाँ पर जो लिखित में जानकारी दी गई है। जैसे देखो दोस्तों, इसका इस्तेमाल कान के संक्रमण में यूज किया जाता है, इसका जो बेहतरीन लाभ देखने को मिलती है। इसके अलावा दोस्तों, साइनस जैसे बीमारी में बच्चे में यूज किया जाता है। अगर बच्चे में फेफड़े की इन्फेक्शन हो, इस परिस्थिति में डॉक्टर इसको प्रेस्क्राइब करते हैं। अगर स्किन इन्फेक्शन की बात करें, अगर बच्चे की स्किन इन्फेक्शन की समस्या है तो इसको जो डॉक्टर प्रेस्क्राइब करते हैं। यूरिन इन्फेक्शन में भी इसे यूज किया जाता है। अगर दांत इन्फेक्शन की समस्या हो, दांत में दर्द की समस्या हो, इस परिस्थिति में इसको जो प्रेस्क्राइब करते हैं। इसके अलावा दोस्तों, बैक्टीरियल इन्फेक्शन के होने के कारण बहुत सारी जो प्रॉब्लम देखने को मिलती है बच्चे में, इस परिस्थिति में डॉक्टर ही इसको जो तय करती है। अब बात करते हैं दोस्तों इसका जो लेने के तरीके बारे में। जैसे कि दोस्तों, इसका जो डोज डॉक्टर ही बता सकता है, क्योंकि बच्चे की एज और वेट के अनुसार इसका जो डोज तय की जाती है। अगर इसका साइड इफेक्ट्स की बात करें, जैसे कि बच्चे में दस्त की समस्या देखने को मिल सकती है, जैसे कि बच्चे में वॉमिटिंग की समस्या देखने को मिलती है, स्किन में रैशेस की समस्या देखने को मिलती है, जैसे कि दोस्तों जिमिटलाइन की समस्या बच्चे में देखने को मिल सकती है। दोस्तों, अगर इसी तरह की कोई सिम्टम्स हो तो इस मेडिसिन को बंद करके अपने जरूर डॉक्टर से कंसल्ट कर सकते हैं। दोस्तों, आप बात करते हैं एज जो सिरप को कितने एज होने पर यूज कर सकते हैं। जैसे कि दोस्तों, इसका इस्तेमाल बच्चे में 3 साल से ऊपर बच्चे में डॉक्टर इसको जो ज़्यादातर प्रेस्क्राइब करते हैं। अगर आपका डॉक्टर के अनुसार इसका जो एज इधर उधर भी हो सकती है। दोस्तों, ये थी कुछ इन्फॉर्मेशन। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। तब तक के लिए दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।